नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग तो मोबाइल से वॉयस करके एलईडी जला सकते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि मोबाइल से वॉयस करके हम लोग ये जो कैंडल है कैंडल भी ग्लो कर सकते हैं, तो वो किस प्रकार से होते हैं आइए देखते हैं। जय दोस्तों, देखते रहे वीडियो। मैं हूं कांति और रोबोटिक्स कांति में आप लोगों का स्वागत है। Green. Yellow. Yellow. Red. दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई यूट सोर्स। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे क्वालिटी का अवेलेबल पार्ट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी पार्ट्स, जैसे कि मैं ट्रिपल वाई सी सर्च करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल वाई सी का बहुत सारी क्वालिटी का अलग अलग से आप लोगों को कॉम्पोनेंट्स मिल जाएगा और बहुत ही कम रेट पे यहाँ पे मिल सकता है आप लोगों को। अगर आपको अच्छे क्वालिटी का पार्ट्स चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं utsource.net। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 एलईडी लगाया है। आप चाहे तो और भी ज़्यादा एलईडी लगा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एलईडी के लिए अलग अलग कलर हमने इसमें सेट किया है। तो जब भी इस प्रोग्रामिंग से हम लोग वॉयस करेंगे और जो कलर बोलेंगे वही कलर ये ऑन होगा, ठीक है। तो अभी मैं ऑन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट यहाँ पे वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब जो ब्लूटूथ है उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्टिंग, देखिए यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ है, तो अभी कनेक्ट है। तो इसमें क्लिक करके जो भी बोलेंगे वही एलईडी ग्लो करेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं रेड ऑन, देखा आपने, रेड ऑन हुआ है। अभी मैं ब्लू बोलूंगा तो ब्लू ऑन होगा, ग्रीन बोलूंगा तो ग्रीन ऑन होगा। तो मैं ब्लू बोल रहा हूं ब्लू, तो देखिए ब्लू कलर ऑन हो गया है। अभी ग्रीन बोलूंगा ग्रीन, ग्रीन देखिए ग्रीन कलर ऑन हो गया है। और अभी हम लोग ये जो एलईडी है, एलईडी का लाइन को हम लोग ट्रांजिस्टर पे कन्वर्ट करेंगे और ट्रांजिस्टर पे हाई वोल्टेज यानी कि 9 वोल्ट या 12 वोल्ट देके हम लोग जो माचिस के तिल के होते हैं उसको जलाएंगे। तो वो किस प्रकार से लगाते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक माचिस लेंगे, आप कोई भी माचिस ले सकते हैं। इसके जो तिल के होते हैं वो जो स्टिक होते हैं इसको हम लोग लेंगे और इसको हम लोग राउंड राउंड करके घुमाएंगे वायर के माध्यम से। तो वो वायर किस प्रकार से राउंड राउंड करेंगे आइए देखते हैं। तो ये जो वायर है इसके जो अंदर का जो पिन है, एक पिन को हम लोग लेंगे, तो एक पिन को हम लोग अलग कर लेंगे इसमें से। तो अलग करके वही पिन को हम लोग ये जो माचिस के तिल के होते इस पर राउंड राउंड करके घुमाएंगे। तो अभी देखिए इसको हम लोग एक माचिस पे राउंड राउंड करके घुमाएंगे। तो ये माचिस हम लोग ले लिया, तो इस पर इस प्रकार से हम लोग लगा के इसको ऐसे करके राउंड राउंड करके ये जो जो जलता है इस पर हम लोग राउंड राउंड करेंगे, ताकि जब भी इस पर वोल्टेज मिलेगा और ये गर्म हो जाएगा, होने के बाद ये ऑटोमेटिक ग्लो करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग करके देखिए अभी इस पर वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 9 वोल्ट का पावर देंगे, आप 12 वोल्ट भी दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी इस पर लगाएंगे तो ये गर्म होके ये जलने लगेगा। तो अभी इस पर लगा दिया, तो देखिए अभी जब भी ऑन करेंगे तो 9 वोल्ट का पावर देने से ये ग्लो करने लगा। तो इस प्रकार से ये माचिस ग्लो करता है और यही माचिस को हम लोग जो मोमबत्ती है इसके पीछे लगा देंगे, जो मोमबत्ती का स्टिक का जो जहाँ पे जलता है ग्लो करता है इसके सामने लगा देंगे। तो देखिए इसके सामने हमने लगा दिया और वायर को इस तरह से कनेक्शन कर दिया और वही वायर को हम लोग एलईडी की जगह ट्रांजिस्टर लगाएंगे। लगाने के बाद वही ट्रांजिस्टर से हाई वोल्टेज होके हम लोग इस पर वोल्टेज देंगे। तो जब भी वॉयस करेंगे तो सर्किट के माध्यम से ट्रांजिस्टर पे जाएगा और हाई वोल्टेज होके यहाँ पे आएगा, आने के बाद ये ग्लो करेगा। तो अभी चलिए इसको देखते हैं, कूडिंग देखते हैं किस प्रकार से इसका कूडिंग किया है हमने वॉयस के माध्यम से। इसका जो सर्किट डायग्राम और कूडिंग जो है वो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक आर्डिनो लगाया है। तो यहाँ पे हम लोग RX और TX को
ये जो ब्लूटूथ है ब्लूटूथ के आरएक्स और टीएक्स पे लगाया है, इसका आरएक्स इस पे टीएक्स पे लगाया है और इसका टीएक्स इसके आरएक्स पे लगाया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो नंबर को हमने लगाया है एक एलईडी पे, तीन नंबर को दूसरा एलईडी पे और चार नंबर को तीसरा एलईडी पे। तो हम लोग इस प्रकार से एलईडी ग्लो कर सकते हैं। और जब भी हम लोग इसके माध्यम से कोई मोमबत्ती जलाएंगे तो इसका सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो सभी ठीक रहेगा, सिर्फ एलईडी की जगह ये माचिस लगेगा, ठीक है। और माचिस को जलाने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत होगा, मतलब 12 वोल्ट की जरूरत होगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं ये आप लोग BC547 का ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं या MOSFET भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस पे हमने लगा दिया, जो आर्डिनो से आया है वही कनेक्शन हमने जो बेस पे लगा दिया। तो लगा के इसका जो कलेक्टर है इस पे 12 वोल्ट का पॉजिटिव दे दिया और इमीटर से इसका आउटपुट कर दिया और कॉयल होके माचिस के तिलके का जो कॉयल है कॉयल होके ग्राउंड पे चला गया। तो इस प्रकार से ये सर्किट होते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। तो अभी हम लोग मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक स्मार्टफोन लेना होगा, इसका जो प्ले स्टोर है इसमें जाना होगा। यहाँ पे हम लोगों को टाइप करना होगा आर्डिनो बॉयज, ठीक है। तो आर्डिनो, जब आर्डिनो लिख के बॉयज लिखेंगे तभी आपके सामने आ जाएगा। देखिए पहले वाला ये होगा, तो ये रहा आर्डिनो बॉयज कंट्रोल। तो इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो इंस्टॉल जब हो जाएगा उसके बाद बहुत ही आसान से आप इसको कर सकते हैं। तो पहले इसको इंस्टॉल होने दीजिए, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी करीबन हो गया है इंस्टॉल, तो अभी ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ओपन होने के बाद अभी देखिए ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग ऑन कर देंगे ब्लूटूथ। तो ऑन करने के बाद अभी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ के साथ, ठीक है, जो ब्लूटूथ हमने कनेक्ट किया है पहले वही। इस प्रोजेक्ट को आप अपने सर्किट से बना सकते हैं या फिर आर्डिनो से भी बना सकते हैं। तो इसका जो गड़बड़ फाइल और सर्किट डायग्राम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।